हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूसुफ फैशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक सूट की कटिंग करना सिखाएंगे, जिस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त मतलब फिटिंग आने वाली है। आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसा मेथड आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा। आप मेरे तरीके से आप कटिंग कीजिए और मैं बताता हूँ किस तरह से करना है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका, और इसके अंदर एक खास बात और है, वो ये है कि अमूमन एक शिकायत आती है लोगों की कि चलने के बाद पीछे की तरफ को इस तरह से गला भागता है, तो वो गला पीछे की ओर को नहीं भागे। कैसे नहीं भागेगा हमको, उसमें भी एक मेथड बताना है किस तरह से हमें कटिंग करना है, हमें ये बताना ज़रूरी है। और आप ये समझोगे तो यकीन है कि अगली बार आपसे आपकी कटिंग में भी कभी कोई ये शिकायत नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस सूट को हम कट करने जा रहे हैं उसका मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। शोल्डर इसका 15 इंच यानी तीरा 15 इंच है, लंबाई 38 इंच है, और बस्ट पॉइंट है 10.5 इंच, और उसका बेस्ट पॉइंट है 13.5 इंच, वर्टिकल एच 19.5, 19.5 इंच, जहाँ से स्लिट खोलते हैं यानी चाक खोलते हैं। अब उसका राउंड मेजरमेंट आ गया 36 इंच, उसका अपर चेस्ट है, इसमें हम 3 इंच का लूसिंग दे देंगे, और ये हमारा उसका बस्ट पॉइंट वाला जो है वहाँ का राउंड मेजरमेंट है 37 इंच है, तो यहाँ पे हम कोई लूसिंग नहीं देंगे। इसी तरह से हमारा जो वेस्ट है वो 32 इंच है, यानी ये पर्टिकल एच वाले का वहाँ का मेजरमेंट 32 इंच है, तो यहाँ पे भी हम 3 इंच देंगे। हमारा वर्टिकल एच 19.5 था, वहाँ का राउंड मेजरमेंट 38 इंच है यानी 38 इंच है, तो यहाँ पे भी हम कोई लूजिंग नहीं देंगे। अब हमारा इसका स्लीव राउंड आ गया, स्लीव लेंथ आ गई। अब हमारा स्लीव लेंथ है 14 इंच, 14 इंच है, स्लीव का राउंड है 10 इंच यानी 10 इंच। हमारा आर्म होल्ड है यानी मुड्डे का जो हमारा जो उसका राउंड है वो 16 इंच है, 16 इंच। आर्म राउंड हमारा है 13 इंच। हमारा फ्रंट नेक है FN 5.5 इंच, और उसका बैक नेक है हमारा 5 इंच। हमारा फिनिश शोल्डर कितना चाहिए उसका भी हम एक मेजरमेंट लेते हैं, तो 2.5 इंच यानी 2.5 इंच हमारा कंप्लीट चाहिए। हमको मेजरमेंट लेने के टाइम में ये कस्टमर का चेक करना होता है कि उसको कितना वाइड चाहिए और कितना वाइड नहीं चाहिए, तो ये मेजरमेंट भी लेते हैं, तो इससे पहनने के बाद फिटिंग बहुत अच्छी आती है। कट करने के लिए हमें किस किस टूल्स की ज़रूरत है, हमें एक आर्म कर्व चाहिए, एक ड्रेसिंग व्हील चाहिए, एक चॉक, एक कैंची, और एक ये हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, इसमें हम टॉप कट करेंगे। अब हम इसको पूरी तरह से स्टीम कर लेंगे, तो पूरी अच्छे से स्टीम कर लेंगे इस कपड़े को, इसके अंदर जो सल होगी वो उसकी आयरन की मदद से इसको बाहर निकाल देंगे। इसे कटिंग करने के बाद कोई इसके अंदर जो झोल होती है ना वो आती है, तो फिर कपड़ा बाद में बढ़ जाता है, तो अभी ये पूरा अच्छे से स्टीम कर लिया तो कपड़ा अभी बढ़ेगा नहीं। अब इसकी कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब हम कपड़े को हमने आयरन कर लिया है, अब इसके बाद में हम निशान लगाना शुरू करेंगे। हमारी फुल लंबाई हमने लगाई, एक नीचे मार्क दे दिया है, हमारी लंबाई 38 इंच है यानी 38 इंच पे हम एक निशान दे देंगे। उसके बाद में हमारा जो ये बस्ट पॉइंट था वर्टिकल जो मेजरमेंट है उसका निशान देंगे हम, यानी 10.5 इंच है तो उसमें एक निशान दे देंगे, 13.5 इंच है तो वहाँ भी एक निशान दे देंगे, 19.5 इंच है जहाँ से हमारा स्लिट खुलेगा वहाँ भी हम एक निशान दे देंगे। इसके बाद जो हमारा आर्म होल्ड है यानी रीगल, इसका कटिंग करने का बहुत अलग अलग तरीका है, कुछ लोगों का कुछ होता है, लेकिन मेरा जो तरीका है वो ये है। इसका जो आर्म होल्ड है उसको हम 16 का आधा करेंगे, उसके बाद 1.5 इंच ऊपर को निकालेंगे, 1.5 इंच ऊपर को यहाँ उठा लेंगे, उस पर एक मार्क देंगे। अब हम क्या करना है, इन निशानों को सीधा कॉपी कर लेना है, इस तरह से निशानों को सीधा कर लेना है। देखिए ये हमने सारे निशानों को सीधा कर लिया, ये हमारा शोल्डर का निशान है, और इसके बाद हम यहाँ 1 इंच पे और एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे हमारा शोल्डर 15 इंच है, तो 15 है तो हम उसका आधा 7.5 इंच हुआ, 7.5 पे एक
निशान लगा देंगे। मेरा पीछे का नेक 5 इंच है, तो 5 इंच नेक है तो मैं इसका शोल्डर जो कम करूंगा तो 1.25 इंच यहाँ से माइनस करेंगे, और हमारा जो फिनिश शोल्डर है यानी 2.5 इंच, तो 2.5 इंच हमारा जो फिनिश शोल्डर है, तो उसके बाद यहाँ से हम फिनिश शोल्डर का लगाएंगे 2.5 इंच। हमारा जो फिनिश शोल्डर है 1.25 इंच माइनस करेंगे, उसके बाद में यहां से जो ये नेक बिड है ये 2.5 इंच ये स्टैंडर्ड है, ये हमेशा इतना ही रखा जाता है कोई भी साइज हो। उसके बाद में हमें कंधी डाउन करना होती है, अगर बड़ा साइज है तो 1 इंच करना है और छोटा साइज है तो 1/2 इंच और 1/4 इंच तक। तो मेरा साइज मीडियम साइज है तो मैं इसका 1 इंच में डाउन करूंगा, तो यहाँ से कंधी को 1.75 इंच इसको नीचे को डाउन करेंगे। अब यहाँ से जो हमने ये एक मेजरमेंट 1.25 इंच हमने जो माइनस किया था, उससे यहाँ से एक सीधा एक लाइन दे देंगे। ये लाइन देने के बाद हमारा जो राउंड मेजरमेंट है हम उसको पूरा करेंगे। हमारा राउंड मेजरमेंट है 36.5 इंच, तो हम 9 इंच और एक सूत पे एक निशान लगा देंगे। इस तरह से हमको इसमें 3 इंच का लूजिंग देना है, तो 3 इंच का लूजिंग देने के लिए क्या करना है, या तो पहले आप 36 में 3 इंच प्लस कर लो, या डायरेक्ट लगा सकते हो लेट से, आप पहले इसमें 3 इंच प्लस करने के बाद में पूरा डिवाइड करके रख सकते हैं, या मेरी तरह तो मैं इसमें 0.75 इंच यानी 0.25 इंच इसमें लूजिंग दूंगा। यहाँ चेस्ट पॉइंट में यानी अपर चेस्ट में देना है हमें, ये बस्ट पॉइंट है, यहाँ हमें कोई लूजिंग नहीं देना। तो हमारा जो बस्ट पॉइंट है वो 37 इंच है, तो 9.25 हम इसमें यहाँ एक निशान दे देंगे। इसी तरह हमारा जो बेस्ट राउंड है वो 32 इंच है, 32 का हमारा 8 इंच हुआ, ये 8 पे हम एक मार्क दे देंगे। हमें कमर में ये जो कमर है जो वेस्ट है यहाँ पे भी हमें 3 इंच देना है, 3 इंच की लूजिंग देना है। तो 3 इंच की लूजिंग देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ भी मैं 0.75 इंच यानी 0.25 इंच पे एक निशान दूंगा, यानी 0.25 इंच यहाँ पे बढ़ा के रखेंगे। तो 0.25 इंच पे मैंने यहाँ एक निशान दे दिया। इसी तरह से हमारा ये हिप है, हिप को हम फिक्स रखेंगे, जो वर्टिकल हमने एच लिया था, जो वर्टिकल एच लिया था 19.5 लिया था, उसके जो वहाँ का जो मेजरमेंट है, जो हमने राउंड मेजरमेंट किया है वो हमारा 38 है, 38 इंच है, तो हमने 38 को 9.5 इंच में या एक मार्क दे देंगे, उसके बाद 1 इंच या एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दे देंगे। अब हमें क्या करना है, कुछ लोगों को स्ट्रेट कट चाहिए होता है दामन, तो यहाँ से पूरा फिक्स नीचे रख देंगे, नहीं तो मैं तो यहाँ से अगर 9.5 इंच आ रहा है तो यह 1/2 इंच बढ़ाकर, ऊपर हमने 9.5 रखा था, यहाँ पर 1/2 इंच ज़्यादा रखेंगे तो 10 इंच रखेंगे नीचे का दामन। थोड़ा स्ट्रेट कट है बहुत ज़्यादा, जिसको ज़्यादा अगर फ्लेयर चाहिए तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो 10 इंच पर हम एक निशान लगा देंगे, और कपड़ा फोल्ड करने के लिए 1 इंच पर यहाँ निशान दे देंगे। अब हम ऊपर आ जाएंगे, इसके बाद में हमें जो हमने निशान लगाए थे उसको यहाँ से सीधा इसको और इसका हम निशान लगा लेंगे। यहाँ का भी एक मेथड है, क्या है, कभी कभी क्या होता है, ये तो चलो इस मेजरमेंट में तो ये अंदर है, लेकिन बाहर की ओर आ जाता है, मानो अगर इतना आ जाता है तो हमको क्या करना है, अगर इतना आ जाता है बाहर की ओर आता है जो हमारा बस्ट पॉइंट चेस्ट से, तो हमें इसका इस तरह से भी एक निशान लगा के और इस तरह से भी हम कर लेते हैं। फिर क्या करना होता है, जब हम बैक में टक डालते हैं ना, तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा इससे यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना, इस एक्स्ट्रा को हम बैक में टक में एडजस्ट करते हैं, लेकिन इसमें नहीं है तो मैं इसको कट कर दूंगा। यहाँ से नीचे को एक राउंड मेजरमेंट के लिए ये हम निशान दे देंगे। अब हमें बॉडी के अंदर पूरा 1 इंच का मार्जिन देना है, ये 1 इंच का हमें निशान लगाना है, ये 1 इंच का पूरा देंगे। 2 इंच का भी देते हैं लोग, 1.5 इंच का भी देते हैं, लेकिन सबसे बेहतर 1 इंच का है। वो किस लिए, क्योंकि 1 इंच का मार्जिन देने से कटिंग करके सिलने के बाद फिटिंग बहुत ज़ोरदार आता है, कहीं सूट खिंचाव खिंचाव सा नहीं होता है, तो ये एकदम 1 इंच का एक सार मार्जिन देने से बहुत खूबसूरत आता है। अब हम इसका आर्म कर्व की मदद से इसका आर्म होल जो मुड्डा है उसका शेप देंगे। हम यहाँ इस तरह से आर्म कर्व रखेंगे और एक निशान यहाँ से इधर को दे देंगे। अब हमें नापना है हमारा आर्म होल्ड कितना था, 16 था, तो 16 था, हम इसमें लूसिंग के लिए 1 इंच डालेंगे तो 17 इंच करेंगे यानी 17 इंच। तो हम यहाँ से ऐसे इस तरह से मेजरमेंट करके देखेंगे,
ये यहाँ पे 17 एंड हाफ इंच यहाँ आ रहा है, यानी 17 इन हो गया, 8 एंड हाफ आ रहा है या 17 हो जाएगा आधा उसका। हमको यहाँ से 1 इंच ऊपर को और निशान देना है, ये इस निशान से यहाँ से, ये देखिए यहाँ भी 1 इंच देना है। ये 1 इंच किस लिए देना है, इसका मेथड बहुत समझना बहुत जरूरी है। ये 1 इंच हम इसलिए देते हैं, जब टॉप सिलने के बाद जब कस्टमर पहनता है, जब चलता है, तो चलने के बाद में अगर ये 1 इंच अगर नहीं देते हैं तो गला पीछे की तरफ को भागता है, सूट पीछे की तरफ को भागता है। ये एक मेरा खुद का समझा हुआ एक ये तरीका है। तो इसको हम जब 1 इंच ज़्यादा काटते हैं तो कभी भी गला पीछे की तरफ को नहीं भागता है, तो आगे ही रहेगा, परफेक्ट रहेगा वहाँ। तो आप भी इस तरह से कट कीजिए, कभी भी आपका गला पीछे की तरफ को नहीं भागेगा। जब चलने के बाद में जब चलते हैं तो ये गला पीछे की तरफ को भागता है, तो इससे 1 इंच ज़्यादा काटने से ये कभी भी पीछे को नहीं भागेगा। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, ये नाप लेते हैं हम, 8 एंड हाफ यहाँ आ गया, यहाँ से पूरा मेजरमेंट कर लेंगे, 8 एंड हाफ यहाँ आ गया, यानी 17 इंच आ जाएगा, 17 का आधा 8.5। और यहाँ से हम ये मार्जिंग ले लेंगे तो 17 एंड हाफ यहाँ से ये हो जाएगा। अब हमको यहाँ फ्रंट के लिए भी एक एक निशान दे देना है फ्रंट के लिए। तो फ्रंट के लिए हमें यहाँ से आर्म कर्व की मदद से एक रखना है, ये आगे का बनाना है हमें, ये आगे के लिए बनाना है, ये आगे के लिए, फ्रंट के लिए एक निशान हो गया और ये पीछे के लिए हो गया। अभी यहाँ से हमारा जो फिनिश शोल्डर था वो 2 एंड हाफ इंच था, तो 2 एंड हाफ को हम यहाँ से एक निशान दे देंगे, ये 2.5 इंच पे यहाँ से आ गया। 2.5 इंच पे आने के बाद यहाँ से इसका एक सीधा लाइन दे देंगे, ये सीधा लाइन देंगे, और हमारा जो नेक है 5.5 इंच है तो 5.5 पे एक निशान दे देंगे, इसका यहाँ से भी एक सीधा निशान दे देंगे। अब हमारा जो पीछे का नेक है उसको यहाँ, तो ये सिलाई का मार्जिन है, ये सिलाई आ जाएगा यहाँ पे, स्टिचिंग करेंगे। बैक नेक हमारा 5 इंच है तो 5 इंच पे भी एक निशान दे देंगे। वो बैक नेक अभी एक साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ एक 5 इंच का निशान दे देंगे बैक के लिए। आर्म कर्व की मदद से हम बैक नेक को शेप देंगे, ये हमारा बैक नेक का एक शेप हो गया। हमें फ्रंट के लिए गला चाहिए तो हम फ्रंट गले में कुछ ये पान का सा शेप देंगे, तो हम इस तरह से भी एक शेप दे सकते हैं। ये देखिए, ये एक पान का शेप हो गया। आपको जैसा पान पसंद है आप उस तरह का शेप कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह का पसंद है तो मैंने ये पान का शेप किया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए हमारा जो आर्म होल्ड का भाग है यहाँ पे हम मार्जिन दे के, यानी मार्जिन छोड़ के कट करेंगे, ऊपर के भाग में फिक्स कट करेंगे। यहाँ साइड का जो मार्जिन है यहाँ पे भी हम इसको फिक्स कट करेंगे। तो चलिए मैं इसको कट करके दिखाता हूँ। और इसका ये नीचे का जो भाग है, नीचे का जो भाग है इसको भी थोड़ा नीचे को इधर क्रॉस कट कर देंगे, ये थोड़ा इधर की भाग में 1/2 इंच इधर को डाउन करना है। ये हमारा कट हो गया है। अभी हमें ड्रेसिंग व्हील की मदद से ये जो निशान है हम इसको कॉपी करना है, तो हमें इस निशान को कॉपी करने के लिए ड्रेसिंग व्हील की मदद से हम इसको पूरा निशान कॉपी करेंगे। यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे जहां से हमारा चाक खुलेगा, स्लिट ओपन करेंगे जहां से, वहां एक कट लगा लेंगे। यहाँ ये चेस्ट का है, यहाँ पे भी एक कट लगा लेंगे, स्लीव जहां से जॉइंट होएगा। अब यहाँ ये हमारा दोनों अभी बैक कट के कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें फ्रंट अलग करना है और बैक को अलग करना है। पहले हम बैक के लिए, बैक नेक के लिए एक निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगाया था 5 इंच पे,
ये हम बैक के लिए निशान लगा लेंगे। ये हमने ड्रेसिंग व्हील की मदद से निशान लगा लिया है। अब हम फ्रंट को अलग और बैक को अलग कट करेंगे। तो हम ऊपर वाले भाग को कट करेंगे तो ये फ्रंट बन जाएगा। ये यहाँ पे फिक्स था, यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन लेके हम इसको कट कर रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। और मैं इधर भी गड्ढा दूंगा तो यहाँ भी ये मार्जिन देने के बाद ही करना है। तो इस तरह से ये देखिए, ये बैक है और ये फ्रंट के लिए, ये निशान हो गया। अब इसमें आगे का गला कट करना है। आगे का गला कट करने के लिए यहाँ एक पैर का मार्जिन देके इसको कट करना है। देखिए मैंने आगे का गला कट कर दिया है। अब हमको पीछे का गला कट करना है। तो पीछे का गला कट करने के लिए जो हमारा ड्रेसिंग व्हील से जो निशान लगाया था उसको हम इस तरह से कॉपी कर लेंगे और उस गले को भी कट कर देंगे एक पैर का मार्जिन देके। गले को भी कट कर लिया है। अब हमें ये जो ड्रेसिंग व्हील का जो मार्क दिख रहा है इसके ऊपर भी एक चौक से निशान चला लेंगे, वरना आयरन करने के टाइम में ये निशान भी गायब हो जाता है। अब हमें टक डालना है बैक में, तो यहाँ 9 इंच पे एक टक डालेंगे और यहाँ से 9 से 18 इंच तक टक का एक निशान देंगे। यहाँ से टक का जो दूरी है वो डिस्टेंस वो 3.5 यानी 7 इंच करेंगे और यहाँ भी 7 इंच पे एक निशान करेंगे। इस टक को स्केल की मदद से सीधा करेंगे, ये दोनों का हाफ करेंगे। यहां से हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर पे एक निशान देंगे, इसको यहां से और इसको यहां से, ये एक बैक टक देंगे। ये बैक टक हो गई, इसको भी ड्रेसिंग व्हील की मदद से कॉपी कर लेंगे। इसके दूसरे भाग में टक डालने के लिए इजी होगा। बैक में टक होने से फिटिंग बहुत जोरदार आती है, आप भी इस तरह से ट्राई कीजिए। तो अभी ये बैक कटिंग हो गई है, बैक में टक हो गया है, यहाँ ये शेप है इस पे भी चौक का निशान पूरा कर दिया है। और अब हम इसका स्लीव कट करना बताएंगे आपको। ये देखिए ये फ्रंट है और ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने बैक को इसमें ये 1 इंच जो हाफ इंच है इसको जो बढ़ती काटा है वो इसलिए काटा है क्योंकि पहले भी बताया हूँ, जब सूट पहनते हैं तो पहनने के बाद जो पीछे को गला भागता है, आप इस तरह से इसको एक्स्ट्रा कट करेंगे तो कभी भी आपका गला पीछे को नहीं भागेगा। लगभग लोगों की यही शिकायत आती है, तो ये शिकायत आज के बाद आपकी कंप्लीट मतलब ख़त्म हो गई। ये पीछे का गले का निशान है और ये फ्रंट का गला कट कर दिया। अब मैं आपको स्लीव कट करना सिखाया। मोल का साइड था, अब ये बाहर का बचा हुआ कपड़ा है, अब हम उसको ले लेंगे आस्तीन कट करने के लिए। ये स्लीव कट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ नीचे एक निशान लगाना है, ये स्केल की मदद से। ये 1.5 इंच यानी 1.5 इंच कपड़ा हमने फोल्ड करने के लिए दे दिया है। अब यहाँ से हमें लंबाई के लिए लगाना है, लंबाई हमारी 14 इंच है तो 14 इंच पे हम एक निशान दे देंगे, उसको हम सीधा कर लेंगे कुछ इस तरह से। हमारा अब जो AR है यानी आर्म राउंड है, आर्म राउंड हमने बताया था हमारा 13 इंच है। 13 इंच जो हमने नापा था वो 5 इंच के नीचे नापा था, यानी जो मुड्ढा है हमारा, मुड्ढे से आस्तीन जो होती है वहाँ के 5 इंच नीचे जाके हमने ये नापा था। यहाँ पे हमने कितना राउंड आया था हमारा, 13 इंच आया था, तो 6.5 इंच यानी 6.5 पे हम यहाँ एक निशान लगा देंगे। इसी तरह से जो हमारा स्लीव का जो राउंड था, आस्तीन का जो मुंह था नीचे का, वो 10 इंच था तो 5 पे एक निशान लगा देंगे और यहाँ पे 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो आर्म कर्व है, जो आर्म राउंड है, आर्म होल्ड है, हमें उसका एक निशान देना है, इस तरह से एक शेप बनाना है आर्म होल्ड के लिए।
हमें नापना है ये 17 इंच नापना है। तो 17 इंच नापने के लिए मैं तो कुछ इस तरह से स्लीप कट करता हूँ, आप भी इस तरह से कट कीजिए तो बहुत बेहतरीन आने वाली है। यहाँ पे इस पे एक निशान दे देंगे। इसके बाद इस निशान से और ये जो हमारा स्लीव राउंड है वहां तक एक स्केल की मदद से डायरेक्ट एक शेप दे देंगे। फिर यहाँ भी एक इंच का मार्जिन जो दिया था हमने बॉडी में, वहां भी पूरा एक इंच पे ही ये निशान दे देंगे। अब ये देखिए, जो हमारा आर्म होल 16 इंच था, एक इंच हमने लूजिंग डाली तो 17 हो गया, यानी 17 इंच हो गया। तो उसको हम यहाँ से मेजर करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा 8.5 इंच आ गया, 8.5 आ गया, तो यानी 17 इंच हो गया। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए हमें यहाँ ऊपर की भाग में 1/2 इंच का मार्जिन देना है, यानी सिलाई का मार्जिन देना है, और कुछ इस तरह से इसकी स्लीव कट करेंगे। कट लगा लेना है फोल्ड करने के लिए। ड्रेसिंग व्हील की मदद से इस निशान को दूसरी साइड में कॉपी कर लेना है। कॉपी करने से क्या होता है, दूसरी तरफ हमारा जो सिलाई है वो बहुत परफेक्ट तरीके से आती है, निशान मिलता है बराबर। तो यहाँ से फोल्ड करना है तो यहाँ भी एक निशान लगा देना है। अब हमें यहाँ आगे के लिए एक गड्ढा मारना है, यानी आगे का भाग कट करना है। तो यहाँ से कुछ पीस को इस तरह से कट करके यहाँ 1/2 इंच तक ये निकाल देंगे। निकालने के बाद यहाँ एक कट लगा देंगे ताकि सिलने के टाइम में हमको बैक और फ्रंट का पता लग सके। तो ये स्लीव हमारा कट हो गया, आप भी इस तरह से कट कीजिए यहाँ से, तो बहुत अच्छा फिटिंग भी आता है और परफेक्ट भी रहता है, तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त और फ्रेंड के साथ में शेयर करें।